हाँ जी क्लास, आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग मेथड ऑफ लेड एसिड बैटरी, कि लेड एसिड बैटरी को हम किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कुछ ये तीन मेथड्स हैं। सबसे पहली बात, चार्जिंग करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपका जो चार्जिंग जो सोर्स है वो आपका डीसी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो लेड एसिड जो बैटरीज होती हैं, जो सेल्स होते हैं, दे ऑल आर द डीसी सोर्स, वो डीसी सोर्स होते हैं। तो आपके घरों में क्या आती है, एसी आती है। ठीक है, हमारे घरों में 220 वोल्ट जो एसी आती है वो, उसको पहले आपको डीसी में चेंज करना पड़ेगा यूजिंग रेक्टिफायर। ठीक है, आपको पता है एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि फॉर चार्जिंग लेड एसिड बैटरी अ डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ सोर्स ऑफ सप्लाई इज एसी, अगर हमारा जो सोर्स है वो एसी होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा, तो पहले उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा यूजिंग रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का काम ही ये होता है। तो आपके तीन मेथड हैं जिन मेथड से हम लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पहला मेथड है नॉर्मल वोल्टेज डीसी सप्लाई मेथड। ठीक है, सेकंड है आपका लो वोल्टेज मोटर जनरेटर मेथड, एंड थर्ड है आपका रेक्टिफायर यूनिट मेथड। फर्स्ट मेथड में देखते हैं, इसमें कुछ आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम है, ये आपकी बैटरी है लेड एसिड बैटरी, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बैटरी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए कि इस मेथड में होता क्या है, जब आपको कोई भी बैटरी चार्ज करनी है तो आप क्या करोगे, उसके पॉजिटिव को पावर सप्लाई, जो आपका सोर्स है डीसी, उसके पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव को पावर सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव हो गया आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है आउटसाइड से, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। ये हमने देखा था जब हम उसके लेड एसिड बैटरी को जब हम पढ़ रहे थे, उसको चार्जिंग करते टाइम हमने क्या किया था, उसके एनोड को पावर सप्लाई के पॉजिटिव से और कैथोड को पावर सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, एक्चुअली आपके ये बैटरी है, बैटरी के साथ आपके सीरीज में क्या लगेगा, एमिटर। ठीक है, एमिटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि आपका जो करंट है वो सीरीज में सेम होता है। ठीक है, वी वॉन्ट द करंट सेम इन ऑल द लैंप्स एंड ऑल द स्विचेस हियर। ठीक है, उसके बाद आपका जो वोल्ट मीटर है, वोल्टेज रीडिंग करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे, उसको पैलर में लगाया गया, क्योंकि आपका जो पैलर में वोल्टेज है वो सेम रहती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कॉन्फिगरेशन है जो हम कई बार हम बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे यूज करिए, एमीटर हमने करंट के रीडिंग के लिए यूज किया हुआ है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज की रीडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे लैंप लगे हुए हैं, एल नाम से, जो L1, L2, L3, L4 है, दीज आर द लैंप्स। ये लैंप कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई LED भी हो सकती है। ठीक है, कोई लाइट एमिटिंग डायोड भी हो सकता है छोटा सा। तो ये जो लैंप है वो इंडिकेट करेगा कि बैटरी फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है, इट विल इंडिकेट द चार्जिंग कंडीशन ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये आपके बैटरी बताएगा कि यह फुल चार्ज हो गया क्या, या अभी भी चार्जिंग करने के लिए इसकी जरूरत है। ठीक है, अगर मान लें लैंप की ब्राइटनेस, लैंप का मतलब ब्राइटनेस, ये आपको शो करेगा लाइट, अगर इसकी लाइट कम होगी तो मतलब आपकी बैटरी को भी चार्जिंग करनी है। ठीक है, अगर इसकी ब्राइटनेस फुल होगी मतलब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो आप यहाँ देखो, आपका जो ये लैंप है, ये जो LED है, कोई बल्ब है, ये कैसे काम करेगा, एज अ रजिस्टर। ठीक है, एज अ रजिस्टेंस काम करेगा, जो आपके चार्जिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। ठीक है, आपके जो बैटरी का जो चार्जिंग करंट है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे ये लैंप यूज करेंगे। तो आप देखिए L1, L2, L3, L4 आर द हाई वोल्टेज लैंप। ठीक है, दीज आर द वेरी हाई वोल्टेज लैंप, जो हाई वोल्टेज को भी मतलब हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमने पैलर में लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पैलर में वोल्टेज सेम होती है। दीज लैंप आर यूज एज अ रजिस्टेंस। ठीक है, हमने ये जो लैंप है आपके एज अ रजिस्टेंस काम करेंगे। रजिस्टेंस क्या करता है, करंट को पोज करता है, मतलब उसको एज अ रजिस्टर यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर मान ले ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी ज्यादा ओवर चार्ज हो गया है, तो इस लैंप को, एक लैंप को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैंप के यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं। ये जो सिस्टम है आपका, ये सर्किट डायग्राम कहीं एक ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया। ठीक है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम से उठाया गया है। यहाँ पे कुछ हमारी पहले एसी सप्लाई है, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई एसी आती है, यहाँ पे आपका पहले रेक्टिफायर लगा होगा, रेक्टिफायर के थ्रू यहाँ पे आपकी डीसी आई है, उस डीसी को हम यूज कर रहे हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कुछ ऐसी इंडिकेशन की जरूरत है, जो कौन देगा आपको, लैंप देंगे। लैंप बताएगा
कि कब आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया, कभी फुल डिस्चार्ज हो गया, उसकी ब्राइटनेस के ऊपर, जब नाम ही इसका लैंप है, ठीक है, लैंप क्या करता है कि वो ब्राइटनेस, ठीक है, लाइट के लिए यूज किया जाता है, तो लाइट का मतलब है अगर ये फुल अगर फुल चार्ज है तो इसकी ब्राइटनेस हाई होगी, ठीक है। अगर ओवरली चार्ज हो चुका है, आपको पता है कि जो एलईडी होते हैं, जो लाइट वाले जो ये फिलामेंट होते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान ली गर्म हो गई बहुत ज्यादा, इसमें ये ओवर चार्ज हो गया है, यहाँ पे हमें इसको ऑफ करने की जरूरत है, स्विच इसको ओपन कर देंगे हम, ठीक है, जो हमें नीड के अकॉर्डिंग। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज क्या होता है आपका ईएमएफ, ठीक है, आपका जो डीसी सोर्स होता है, जो बैटरी से आएगा वोल्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कौन मेजर करेगा, वोल्टमीटर, ठीक है। और चार्जिंग शुड बी एडजस्टेड टू मेंटेन द टेंपरेचर इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है कि जो बैटरी उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, उसका टेम्परेचर जरूर मेंटेन करना है, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत इसकी अपना एक फैक्टर है कि टेम्परेचर इसका बड़ा फैक्टर माना जाता है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर इसका हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसका है मेन टेम्परेचर जो इलेक्ट्रोलाइट का है वो 43 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी 43 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका टेम्परेचर। कम होगा तो हम फिर से लैंप को एज ए इंडिकेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लैंप ही आपको इंडिकेशन दे देते हैं जो कि एक विजुअलाइजेशन है, ठीक है। लैंप क्या है कि विजुअलाइजेशन मेथड है, आप देख के पता लगा सकते हो कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। वेरिएबल रजिस्टर से हम पता नहीं लगा सकते, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एफिशिएंसी कम है, ठीक है। इस मेथड के डिसएडवांटेज है कि इसकी एफिशिएंसी कम है और लैंप लगाने की वजह से इसकी एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है, लैंप भी कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा लो वोल्टेज मोटर जनरेटर मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड लो वोल्टेज डीसी जनरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इस मेथड में एक डीसी जनरेटर यूज किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। मेन पावर सप्लाई क्या होगी इसकी, एसी। जैसे हमारे जो पहले मेथड था उसकी भी एसी ही थी, उसको डीसी में कन्वर्ट किया था। इसमें जो जनरेटर की जो मोटर होगी, ठीक है, जनरेटर की जो मोटर होगी वो एसी मोटर, एसी से चलेगी, तो उसका नाम क्या होगा, एसी मोटर, ठीक है। आपकी जो मोटर्स होती है वो एसी पर चलती है, क्योंकि एसी में क्या होता है, आपके अल्टरनेशन करंट होता है, ठीक है। द जनरेटर इज ड्राइवन बाय एसी मोटर। जो आपका डीसी जनरेटर की जो पावर सप्लाई है वो एसी है, और जो मोटर लगी हुई है वो भी क्या लगी हुई है, एसी मोटर लगी हुई है। एसी मोटर के थ्रू जो जो हमारे पास करंट आएगा वो आएगा डायरेक्ट करंट, ठीक है। चार्जिंग करंट कैन बी कंट्रोल। अब इसमें हम कौन सा ऐसा मेथड यूज करेंगे, चार्ज आपका जो बैटरी का जो चार्जिंग करंट है उसे कंट्रोल करवाने के लिए, ठीक है। वहां पे हमने क्या यूज किए थे, लैंप यूज किए थे, ठीक है। यहाँ इस मेथड में हमने लैंप यूज किया था, और इस मेथड हम क्या यूज करेंगे, रेगुलेटर, ठीक है। इसमें यूज किए जाएंगे रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर्स भी होते हैं, ठीक है, उनका यूज करेंगे हम इस मेथड में चार्जिंग करंट को कंट्रोल करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है, आपको पता है कि जो जनरेटर होता है उसका लास्ट स्पेस होता है, जो जनरेटर चलता है उसका काफी ज्यादा स्पेस ले लेता है वो, इट इज नॉट लाइक वेरी कॉम्पैक्ट इन नेचर। इसके नॉइज भी बहुत हाई होती है, ठीक है, काफी ज्यादा शोर मचाता है ये, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा रेक्टिफायर यूनिट मेथड। ये मेथड आपके इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, काफी सारे लेड एसिड बैटरी में इस मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। जब हमारी पावर सप्लाई एसी हो, इस मेथड को ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा आपका, स्टेप डाउन। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं आपके, स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप क्या करता है, जो भी वोल्टेज आ रही है उसको स्टेप अप कर देता है वो, ठीक है, हाई कर देता है। स्टेप डाउन क्या करेगा, उसको लो में चेंज कर देगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारी जो बैटरी है वो 24 वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे ही काम कर सकती है। तो 220 वोल्ट को इन तीनों में चेंज करना है, तो कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डाउन। इसके तीन पॉइंट्स होते हैं, तो तीन पॉइंट्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके तीन आउटपुट होती है, इस तरह से आउटपुट है आपकी ये। तो 24, अगर हमारी बैटरी 24 वोल्ट की कैपेसिटी रखती है, 12 की रखती है, 6 की रखती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आप यहाँ पे स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्विच यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपके जो एसी है 220, उसको चेंज कर देता है 24 में या फिर 12 में या 6 में, ठीक है, स्टेप डाउन कर देगा उसको,
उसके बाद जो एसी है वापस से किसमें चेंज हो जाएगी आपकी डीसी में। डीसी कौन करता है चेंज? रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर हम कई बार पढ़ चुके हैं आपके फर्स्ट सेशन में, ठीक है। रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज इज सप्लाई टू द बैटरी, जो आपकी रेक्टिफायर वोल्टेज आएगी डीसी वोल्टेज, ठीक है, वो कहाँ यूज करेंगे हम? बैटरी को चार्ज करने के लिए। एंड दीज उसके बाद आपके जो चार्जिंग को कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं वो दो होते हैं, कांस्टेंट करंट चार्जिंग और कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बस ये तीन आपके तीन मेथड्स हैं किस किस किन मेथड से आप लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक बेसिक से मेथड है आपके बहुत, इनके डायग्राम और इनकी जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो आपको समझनी है कि किस मेथड में हमने चार्जिंग करंट को कंट्रोल करवाने के लिए क्या क्या यूज करा है। पहले में हमने लैंप यूज करे, ठीक है। सेकंड में हमने क्या यूज किया? रेगुलेटर, ठीक है। और तीसरे में हमने यूज किया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को हमने यूज करा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? 24 में, 12 में, 6 में इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। ये आपके चार्जिंग मेथड्स हैं। उसके बाद लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस, कि वैसे तो कोई भी बैटरी हो, ये हर बैटरी को आपको मेंटेन कैसे रखना है ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक उसके चले, वो उसका ताकि उसका जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अगर हम उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो बैटरी 1 महीने में, 2 महीने में जल्दी खराब हो सकती है। तो सबसे आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आपको याद करना है, इनको देखना है कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कि आपका जो सेल है वो डीसी करंट से ही चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आप सीधा डायरेक्ट एसी दे दोगे तो आपकी बैटरी खराब हो सकती है। बैटरी शुड नॉट डिस्चार्ज बिलो 1.8 वोल्ट, ठीक है। 1.8 वोल्ट से ज्यादा, इससे नीचे तो डिस्चार्ज होने ही नहीं चाहिए आपकी जो लेड एसिड बैटरी है। उसके बाद आपकी जो बैटरी है आप उसको बार बार रेगुलर बेसिस पे देखो, क्या उसका जो सोल्यूशन है वो कम हो गया है, मतलब उसका सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट डलता है आपका, क्या वो आपका वॉटर बन चुका है, ठीक है। उसमें जो एसिड की मात्रा है वो कम हो चुकी है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी बैटरी को चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकती है। उसके बाद आपके जो बैटरी का जो टॉप है वो क्लीन होना चाहिए, केबल्स आपकी टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपके बैटरी के ऊपर कोई एसिड या कोरोजन नहीं जमना चाहिए, कोरोजन जंग, ठीक है। बैटरी के ऊपर अगर कुछ ऐसा कुछ आपका यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं कुछ भी, तो उसको वॉश ड्रॉप आपको उसको साफ करना पड़ेगा किसी क्लोथ से, बेकिंग सोडा या वाटर से, ठीक है। उसके बाद आप अपने केबल को, जब आप जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है तो उस टाइम पे आपको जो केबल्स हैं उनको रिमूव नहीं करना, ना आपने उसको छेड़ना है, ना उसको टाइट करना है, ना उसको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्चार्ज बैटरी में पानी नहीं डालना। आपको पता है कि सादा पानी नहीं डलता बैटरी में, सल्फ्यूरिक एसिड डलता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेचर है सेल का वो 43 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब आप चार्जिंग कर रहे हो। तो आपने चार्जिंग मेथड देखे थे, तो इन इस चीज का तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बैटरी टर्मिनल शुड नॉट बी शॉर्ट सर्किटेड। आपको पता है अगर मान ले बैटरी के एनोड और कैथोड के बीच में हम सेपरेटर्स लगाते हैं ताकि उन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, अगर सेपरेटर खराब हो गया है तो आप उसको रिप्लेस करके नया लगा दो, ठीक है। तो ये भी इसका है, जो सेपरेटर होता है वो इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है, इंसुलेटर ही लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद बैटरी को आपको बिल्कुल साफ रखना है, कोई डस्ट पार्टिकल्स उसमें ना जाए, अगर डस्ट चला गया तो केमिकल में रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, गैसेस में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वाइल चार्जिंग आप जब इसको चार्ज कर रहे हो तो पोलैरिटी, जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जब चार्जिंग कर रहे हो तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, अगर आपने उल्टा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या बैटरी को आपने एक वेंटिलेशन रूम में रखना है जहाँ पे हवा पास होती हो, ठीक है, वेंटिलेटेड रूम में रखना है आपको। उसके बाद आग को दूर रखना है बैटरी से, ऑब्वियस ही बात है उसमें केमिकल्स होते हैं तो आग वो पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी जो आपको बैटरी के मेंटेनेंस के टाइम ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे निकल कैडमियम सेल। थैंक यू क्लास।